चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है, निम्न समीकरणों को हल करें, निम्न समीकरण को हल करें। तो देखिए जब ये इंटू में है ना, इसका मतलब ये गुणा में है, क्या गुणा में, तो इससे इसे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x। अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ सॉरी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, नहीं कुछ तो प्लस छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है, जब यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस होता है, होता है गुणा करने पर, इससे इससे गुणा जो करेंगे 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 बराबर 15 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आप देखिए क्वेश्चन क्या आ गया, सीधा आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया सीधा, जब हो गया तो यह एक्स वाला है बिना एक्स वाला है, तो ये चल जाएगा, इससे दोस्ती करेगा, एक्स एक्स से दोस्ती करता है, बिना एक्स वाला बिना एक्स से दोस्ती करता, तो इसको हम भेज देंगे उधर, तो हो जाएगा 3x। अब देखिए यहाँ पे माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, तो 15 प्लस 9 हो जाएगा। इसमें डाउट, या 3x यहाँ पे यहाँ है प्लस में हो गया, तो 3x इसको इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 9 × 15 कितना होगा बोलिए, 24 तो 24 हो गया, समझे। आप देखिए कि 3x, अब देखिए इससे इसे भागा दीजिए ना तो कट रहा है, या तो x बराबर 24 इधर गुना में था, इधर क्या रहता भागा, तो इससे हो गया, तो 8 आ गया, इसलिए x का जो मान आया ना वो कितना आया 8 आ गया। समझ में आ गया, सबसे जरूरी था यहाँ 3 × 3 3x आ गया, 3 × x 3x है, प्लस माइनस माइनस 9 बराबर 15। अब इस यह माइनस उधर भेज दिए प्लस में, तो 15 प्लस 9 बराबर 24 आ गया, यानी 3x बराबर 24, इसलिए x बराबर 24 भागा 3 देने इतना आ गया। बात समझ में आ गया। अब चलिए दो नंबर देखिए, बटे में क्या, बटे में या, तो देखिए इसमें x है ना, तो यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 छिपा रहा था, 1 छिपा रहा था, जब यहाँ पे 1 छिपा है यहाँ बिना x वाला था, ये चल जाएगा उधर, चल जाएगा, तो x बटे 2 बराबर 15 अब प्लस 7 प्लस इधर माइनस उधर जाएगा x बटे 2 बराबर इसको इसको जोड़ेंगे कितना होगा 22 होगा। आप देखिए ये क्या चीज में भागा में, जब इधर भागा में रहता है इधर क्या चीज में चल जाता है गुना, तो x बराबर 22 और गुना 2, तो x बराबर 22 × 44 इससे कितना आएगा 44 आ गया। बात समझे, अब x का मान आ गया यहाँ पे 1 होता है, 1 से भागा देंगे तो उतना ही आएगा, तो x का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 44 होता। बात समझे, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि −2x/7 + 2 = 8 है, तो समझिए इसको क्या करेंगे, इसमें देखिए x वाला है ना अभी ना x वाला, तो ये चल जाएगा उधर, तो माइनस का 2x/7 हो जाएगा। अब देखिए यह प्लस उधर जाएगा माइनस होता 8 − 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, या −2x/7 = 2 में क्या हो जाएगा, इसमें घटाएंगे 6। अब मैं बताता हूँ, जो भागा में रहता है तो उधर कोना में चले, तो बराबर के उधर क्या चला जाएगा कोना में, तो यह −2x/6 × 7 या −2x = 42। अब इसे से भागा दिया 21, तो प्लस माइनस तो माइनस, तो एक्स बराबर हो जाएगा −21। आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, क्या निम्न समीकरणों का हल करें, निम्न समीकरणों का हल करें। तो देखिए हम क्या बताते थे कि एक्स एक्स वाला किधर, क्या बिना एक्स वाला को उधर रखें, तो बिना एक्स वाला ये है, अब बिना एक्स वाला ये खुद है अपना तरफ है ना, तो इसको उधर लेके चलेंगे, क्या बचेगा माइनस का 3x = 18 है, यह क्या चीज में
प्लस में है ना, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा ना। अब ध्यान मत दबाइए, यह माइनस में यह और इसी से घटाएंगे ना, तो पहले समझिए कि माइनस का थ्री एक्स, माइनस का थ्री एक्स हो गया बराबर अठारह में से कितना जाएगा, सात जाएगा, कितना बचेगा, ग्यारह बचेगा, बचेगा अब कट नहीं रहा, नहीं कट रहा, तो यह एक्स बराबर हो जाएगा ग्यारह, इधर देखिए गुणा में इधर क्या रहेगा भागा में, तो माइनस थ्री बार हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स बराबर माइनस ग्यारह बटे तीन, समझे, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस आ गया आंसर, सही है। चलिए अब नंबर फाइव, नंबर फाइव में क्या, नंबर फाइव का रहा है कि अठारह बराबर चालीस माइनस थ्री एक्स, हम बोलते हैं एक्स इधर नहीं ना, तो बनाने में आसानी होगा, बनाने में इधर भी एक्स है तो बन जाएगा आंसर उतना ही आएगा, लेकिन इधर ले आएंगे तो बनाने में आसानी होगा, तो देखो माइनस को थ्री एक्स इधर लाएंगे तो प्लस का क्या आएगा, थ्री एक्स होगा, तो प्लस का थ्री एक्स बराबर चालीस तो है ही है ना, आई क्या चीज में प्लस में उधर जाएगा माइनस में अठारह हो गया, या आप समझिए थ्री एक्स बराबर चालीस में से अठारह जाएंगे तो टू बाईस हो गया, इसलिए एक्स बराबर जो होगा ना इधर है गुना में उधर जाएगा भागा में, तो बाईस बचे तीन, आंसर हो गया कंप्लीट, समझ में आ गया। चलिए नोट कीजिए, चलते हैं अब आगे।